प्रहार संघटना द्वारा नानाजी नगर नागपुर मार्ग स्थित एक क्षतिग्रस्त पुलिया की लोगों से देनगी जमा कर श्रमदान से मरम्मत की गई। सिविल लाइन से साई बाबा मंदिर से नानाजी नगर की ओर जाने वाले एक पुलिया के नाले पर यह पुल है। मनपा के प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी साथ ही नागरिक यहां से आवाजाही करते हैं। पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा दीवार पिछले एक वर्ष से घिरी पड़ी हुई थी, जिसे कई लोग पुलिया में गिरकर जख्मी भी हुए थे। साथ ही प्रहार संघटना के संस्थापक अध्यक्ष जिसे यह उनकी दृष्टि से धोखादायक बना था, इस संदर्भ में महानगर पालिका प्रशासन से पत्र व्यवहार कर पुलिया पर सुरक्षा दीवार की मांग की गई थी। विशेष मनपा के अभियंता ने स्वयं पुलिया का मुआयना किया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आखिरकार प्रहार संगठना के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान तथा जन देनगी से पुलिया पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य का संकल्प लिया। प्रहार संगठना के कार्यकर्ताओं ने सुबह 10 बजे निर्माण कार्य की शुरुआत की। शाम 5 बजे तक कार्यकर्ताओं के श्रमदान से पुलिया की सुरक्षा दीवार का काम पूर्ण किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी व स्थानिक नागरिकों की सुरक्षा की ओर अनदेखी करने वाले मनपा प्रशासन का जाहिर निषेध प्रहार के जिलाध्यक्ष बापू देशमुख ने किया। इस श्रमदान में प्रहार के फिरोज खान पठान, हरिदास देवगड़े, घनश्याम इरगुड़े, अक्षय इरगुड़े, दिनेश कंपो, सतीश खोबरागड़े, इमाद दुल्ला शेख, विशाल बिरमवार, प्रसन्ना दखने, नेहल भांडकर, राजू पोलावार, नवनीत बज्जूवार, चंद्रमणि पाटिल, अमोल ठाकरे, लक्ष्मण गावंडे, भास्कर शेंडे, लक्ष्मण राव हिवरकर आदि ने अथक परिश्रम किए। साईबाबा मंदिर जनता कॉलेज कडून इकडच्या या एरियाला गजान महाराज मंदिर कडे जाणाऱ्या एरियाला जोडणारा हा एक रस्ता आहे। या रस्त्यावरचा एक पूल आहे। या ठिकाणी एक प्राथमिक शाळा आहे आणि ती सुद्धा महानगरपालिकेची प्राथमिक शाळा आहे। या पुलाच्या दोन्ही भिंती मागच्या वर्षभरापासून पडलेल्या आहे। अनेक वेळा आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा महानगरपालिकेकडे केला, लेखी निवेदन दिले, स्वतः इंजिनियर येऊन इथं अनेकदा पाहून गेले। या ठिकाणी अनेक लोक वर्षभरामध्ये या ठिकाणी सरळ गाडी घेऊन नाल्यामध्ये गेले आणि पडलेले आहेत। शाळेचे 2-4 विद्यार्थी सुद्धा या ठिकाणी या नाल्यामध्ये पडले, परंतु महानगरपालिका झोपलेली आहे। इतकी संवेदनशील गोष्ट महानगरपालिकेच्या लक्षात कशी येत नाही, हा एक मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उपस्थित झाला। आणि त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आता महानगरपालिका हे काम जर करत नसेल तर आम्ही स्वतः प्रहार संघटनेतर्फे लोकसहभागातून श्रमदानातून स्वखर्चानं या पुलाच्या दोन्ही भिंती बांधायच्या, त्याला मजबूत करायचं, वरून लेंटर टाकायचं आणि त्याला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, खास करून विद्यार्थ्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून श्रमदानातून हे काम करायचं असा निश्चय करून आज आम्ही या कामाला या ठिकाणी सुरुवात करतो।